गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मुक्ता तड़के। आई होप आप सब अच्छे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ से, क्योंकि आज ये व्लॉग होने वाला है आर्ट लवर्स के लिए, बिकॉज जो लोग आर्ट में बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए व्लॉग होने वाला है। और ये बहुत ही ज़्यादा नियर बाय है जामिया नगर ओखला के और जामिया यूनिवर्सिटी के, तो आप लोग विज़िट भी कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको इस व्लॉग में मिलेंगी। तो तब तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो हम शुरू करते हैं पूजा कुमार जी के साथ। मैं पूजा कुमार, मैं अपने आप को एक फ्लोरल वाटर कलर आर्टिस्ट बताती हूँ। मतलब मेरा जो फोटो है वो फ्लावर्स ही है। पिछले 3 साल से मैं फ्लावर्स पे काम कर रही हूँ और वाटर कलर ही मेरा मीडियम है। पहले मैं वाटर कलर नहीं करती थी, लाइक ऑल अदर आर्टिस्ट हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद डिफरेंट मीडियम। मैं स्टार्ट में वाटर कलर मुझसे नहीं होता था और मेरी इज्जत थी कि क्यों नहीं होता है, मुझे ये करना था। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इट। और अभी मैं करेंटली फैब्रियानो इन एक्वारेलो करके एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है जो कि इटली में हो गया है, तो उसमें मैं अपनी कंट्री को हेड करती हूँ, लीड करती हूँ। सो मैं कंट्री लीडर फ्रॉम द ईस्ट जोन ऑफ इंडिया और मेरा काम है यहाँ से वाटर कलर को प्रमोट करना, यहाँ पर आर्टिस्ट को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो इस तरह से मैं पूरे वर्ल्ड की वाटर कलर आर्टिस्ट वाटर कलर फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट द फ्लावर्स एंड आई एम ग्लैड दैट यू केम हियर। Understand that how our works, like how we are doing and how we are we going in a right path or not. So I'm so glad that you all came here and I did not expect it, frankly, because I thought that if I call, who will come? I don't know, but still I'm glad that really? You came. I would like to thank to our chief guest Mr. Fem, and I'm glad that you came, sir. Mr. Bastian Femi Hellis, the Counselor, Embassy of the State of Palestine, and I'm glad that he came, and I'm really glad to see that he has so much of knowledge about the art. I mean, like, so I'm really grateful to you, sir. One piece, take one piece.
That time she
सो आर्ट वॉज सो अमेजिंग. लाइक पूजा मैम ने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं एंड उसके बाद हमने लिया रिफ़्रेशमेंट. उसके बाद हमने बात करी जो यहाँ के शोज़ करवाते हैं सर उनसे. सो वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल और बहुत ही ज़्यादा स्वीट सर से. तो हमने बहुत सारी बातें करी उनसे. तो आपको नॉलेज देते हैं उनसे बातें क्या हुई हैं. लेट्स गो. सो उनसे हमने इट्स आर्ट गैलरी के बारे में जानने की कोशिश की है. सारे इन्फॉर्मेशन इसमें वीडियो में मिलेगी. तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है. एजुकेशन में सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, उसके ऑनर है. और दिल्ली का ओल्डेस्ट कॉलेज है श्यामलाल कॉलेज शाहदरा के अंदर, उसके ये ऑनर है. और काफ़ी सारे गेस्ट हाउस वगैरह चलाते हैं और टूर्नामेंट चलाते हैं. तो मेरी इनसे क्या लगता है, इनके पब्लिशिंग की वजह से ये कॉन्फिडेंस में भी पब्लिश करते हैं, इतनी कॉन्फिडेंस है. तो उसने तो इस तरह से इसका डिस्कशन हुआ. हमने नॉन कमर्शियल तो इस तरह से हम डिस्कशन किया कि कुछ सोसाइटी के लिए कुछ आर्ट के लिए कुछ करते हैं. तो उन्होंने ठीक है हम इसको फ्री रखते हैं. द ओनली गैलरी इन दिल्ली जो टोटली फ्री है. वी डोंट टेक एनी कमीशन, वी डोंट टेक एनी रेवेन्यू चार्जेस, टोटली फ्री. आर्टिस्ट जो एक्टिविटी करते हैं अपनी उसमें पैसे आते हैं, बैनर्स पोस्टर पब्लिसिटी उसका अपना है. लेकिन हमारी हमारा जो गैलरी का अकाउंटिंग है वो टोटल फ्री है. और इसमें कुछ भी आप करिए वन वीक के लिए हम गैलरी में और सेल हो रहा है पेंटिंग. डेफिनेटली कनेक्ट टू द क्लाइंट डायरेक्टली कि आप पेंटिंग बेच रहे हैं, आप ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं. गैलरी में हमेशा 70th शो है, 70 शो हो चुके हैं. तो उसके अंदर हमेशा एक बुलाते हैं प्रोफेसर को, आर्ट का प्रोफेसर है तो आर्ट के बारे में बात करते हैं. एक बुलाते हैं हम सीनियर आर्टिस्ट को जो बहुत वेलनोन आर्टिस्ट है, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, पढ़ा लिखा भी आर्टिस्ट हो सकते हैं. और एक हम कॉर्पोरेट सर्किल से या एम्बेसी से इस तरह से लोगों को बुलाते हैं इंटरनेशनल टच देने के लिए. तो ये सब करके इस तरह से बुला के गेस्ट को बुलाते हैं. तो उसमें क्या है कि आर्टिस्ट को भी अच्छा लगता है कि
हम गेस्ट को बुला रहे हैं और उसको भी उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, इंटरेक्शन एक्सपोजर भी होता है और सभी तरह के आर्टिस्ट को देखते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। तो इसमें एनिमल तो ये हम बच्चों को नहीं देते, मतलब कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, क्वालिफाइड इतना का होना चाहिए, सीनियर मतलब 21 प्लस होना चाहिए, मतलब जस्ट एक आइडिया, मतलब चिल्ड्रन एग्जीबिशन वगैरह नहीं कर रहे, तो वो एक कंसेप्ट है। तो मैं खुद इस फील्ड में आलमोस्ट 35 ईयर से हूँ और मैं अभी आर्ट डायरेक्टर हूँ नेशनल लेवल का, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिज़ाइन का मैं प्रोफेसर विजिटिंग एडवाइज़र हूँ और मैं और बहुत सारी गैलरी के साथ भी अटैच हूँ, अभी जामिया के फाइन आर्ट्स का मैं एडवाइज़र हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का एडवाइज़र हूँ और वो लंबी स्टोरी है। और मैं खुद मोर देन 500 शो कर चुका हूँ और इस गैलरी में 70 शो कर चुके हैं, आज हमारा 70 शो है। दिस इज द कोई प्रोसेस नहीं, वो सिर्फ मेरे से बात करेंगे, मैं बोलूँगा देर इज टाइम स्पेस खाली है तो गिव देम सीट अवेल, हम बस अपना इसलिए लंबी बुकिंग नहीं करते, हार्डली 2 मंथ का बुकिंग करते हैं, जैसे हमें मालूम किया था कि वी खाली है तो किसी भी मतलब कोई भी क्यूरेट कर सकता है, आर्टिस्ट भी क्यूरेट कर सकता है और ग्रुप बना सकता है, सेल्फ सोलो शो कर सकता है, ये गैलरी पहली है दिल्ली में जो है। नॉर्मली कुछ एक तो गैलरी और है जो फ्री में है लेकिन उसमें कमीशन लेते हैं सेल पर, यहाँ पर सेल पर नहीं तो कमीशन है, नहीं डायरेक्ट नहीं को, अगर किसी सपोज आपको खरीदना चाहते हैं आपको मेरी जरूरत नहीं है, हम तो आर्टिस्ट डायरेक्टली भाई बढ़िया पेंटिंग खरीदते हैं तो हमारे बीच में पॉइंट होता है, ये हमने प्लेस दिया है, स्पेस दिया है जो आर्टिस्ट अपने आप को डिस्प्ले करें, अपना आर्ट वर्क दिखाए, लोगों को बुलाए, और जैसे इतने सारे गेस्ट हैं, कुछ गेस्ट मैंने ही बुलाए, कुछ आर्टिस्ट भी कुछ बुलाए, तो इनमें कोई बाहर भी हो सकता है, ट्राई करते हैं फिर भी कोई बाहर आया कुछ आया। और आप गूगल में जाएंगे अभी तो उसमें लिखिए ए डे विद सेलिब्रिटी, ये टाइप करो, मेरा नाम टाइप करो, उसमें फिल्म आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूरदर्शन ने मेरे लिए बनाई है मेरे ऊपर, हाउ आई बिकम एन आर्टिस्ट, वो आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। लड़कियाँ लड़की मुख्तलिफ लड़की लेकिन मैं तो लेकिन लेकिन इसमें तो आप मेंस को भी ले रही हैं भाई भाई ओके बिकॉज जो भी आए आर्ट के लिए मैं फ्री उनको गाइडेंस करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं आउटसाइड करता हूँ जैसे अभी दुबई में भी किया हमने, ओमान में किया, बांग्लादेश में किया, तो वहाँ मैं फिर आर्टिस्ट से चार्ज करता हूँ, आई चार्ज क्यूरेशन फीस और जो भी एक्सपेंस होता है वो चार्ज, बाकी यहाँ जो भी इनसाइड इस गैलरी टोटली फ्री। थैंक यू वेरी मच। तो हो सके तो आप लोग भी विज़िट करें और ये 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक की गैलरी एग्जीबिशन चलने वाली है और फिर नेक्स्ट 13 अक्टूबर से फिर से दूसरी स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आप लोग नियर बाय हैं या आप लोग आर्ट लवर हैं तो आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑल इज़ फ्री, तो जस्ट गो एंड विज़िट देयर प्लेस आर्ट गैलरी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने आर्ट लवर दोस्तों को ये वीडियो भेजना मत भूलिएगा।